राठी गाय, और वो भी ऐसी शानदार बॉडी स्ट्रक्चर की, बिना सिंगों वाली। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फार्म टॉक और मैं जयपाल सिंह राठौड़। हर घर देसी गोवंश, हर खूंटे देसी गोवंश, इस मुहिम को पूरा करने के लिए आज के वीडियो में मैं आपको इस गाय की लाइव मिल्किंग दिखाऊंगा। अगर आज आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से कर लें, साथ ही साथ नज़दीक दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन भी ऐसे वीडियो की आपको सबसे पहले मिले। जिन व्यूवर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सबका तहे दिल से धन्यवाद, और हम आशा करते हैं कि आज जो नए इस चैनल पर पहली बार इस वीडियो को हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। ये खाली बाल्टी देख सकते हैं, आपको लाइव मिल्किंग दिखा रहा हूँ। चारों थनों की धार अलग अलग चेक करवाऊंगा। ये पहले थन की धार देख सकते हैं, नरम और मोटी धार है और गोल मुठिया थन है, मुट्ठी में आने लायक थन है। ये दूसरे थन की धार देखिए, बिल्कुल गोल और सटीक धार है, कोई छर्रा नहीं है। ये तीसरे थन की धार देख सकते हैं, और ये चौथे थन की धार देखिए, चारों थनों की धार समान है, एक जैसी है, मोटी है, कोई छर्रा नहीं है, कोई धार फटकर नहीं आ रही है। इस तरीके की जांच जब भी आप गाय खरीदें तो थनों की जांच जरूर से कर लें। मैं जो गाय की वीडियो दिखाता हूं उसमें कोशिश करता हूं कि हर गाय की मैं थनों की धार चेक कर जरूर दिखाऊं। थन स्वस्थ हैं, अडर अच्छी शेप में है, और साथ ही गाय बॉडी स्ट्रक्चर में भी कैसी है, इसमें कोई बीमारी तो नहीं है, कोई चाल डाल में कोई ऐसा संकेत तो नहीं दिखाई दे रहा जिससे आप इसके बीमार होने का अनुमान लगाएं। ऐसी मेरी कोशिश रहती है कि इस तरीके की स्वस्थ और देसी दुधारू गायें ही आपको दिखाऊं। आज जो आपको गाय दिखा रहा हूं ये राठी नस्ल की गाय है और काफ़ी शानदार कदकाठी में है। लाइव मिल्किंग के वीडियो की स्पीड मैंने थोड़ा फास्ट की है ताकि आप संपूर्ण लाइव मिल्किंग थोड़े समय में ही देख पाएं, आपको समय अधिक ना लगे, समय अधिक आपका नष्ट ना हो। गाय का गलकंबल आप देख पा रहे हैं, काफ़ी भारी और झालरनुमा गलकंबल है, हम्प साइज एवरेज है, जैसा कि राठी नस्ल की गायों में देखने को मिलता है। बॉडी स्ट्रक्चर हैवी है, भारी भरकम बॉडी स्ट्रक्चर के साथ है, और ये गाय बिना सिंगों की है। सिंगों की वजह से इसमें भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही ये गाय न्याने वाली है, न्याना लगाना उपयुक्त रहता है ताकि पशु काफ की वजह से यदि चहलकदमी करे, आगे पीछे पैर करे तो दूध ना बिखर जाए, इस वजह से न्याना लगाना उपयुक्त रहता है। इस गाय का यदि आप बिना न्याने भी दूध निकालेंगे तो भी यह दूध देगी आराम से, आसानी से। यह गाय सेकेंड लैक्टेशन में है, अपने दूसरे ब्यात के अंदर है, और पिछले ब्यात में इसने 13 किलो दूध दिया है। इस बार इस गाय से अपेक्षा की जा रही है कि यह 15 किलोग्राम तक दूध देगी। आज इसने दूध कितना तैयार कर लिया है वह मैं आपको लाइव मिल्किंग कंप्लीट होने के पश्चात लीटर से नापकर दिखाऊंगा, क्योंकि यहां पर आज कांटे की व्यवस्था नहीं है, इस वजह से आपको लीटर से नापकर दूध दिखाएंगे। इस गाय को ब्याए हुए अभी 8 दिन हुए हैं, आज 8वें दिन की आपको लाइव मिल्किंग दिखा रहे हैं, और इसके नीचे काफ मेल है, मेल काफ राठी नस्ल के नीचे, वह भी 15 किलोग्राम दूध क्षमता की गाय। ऐसे देसी गोवंश की, अच्छी दुधारू देसी गोवंश के यदि मेल काफ भी हो तो वह भी आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है। इसके लिए आपको एक काम करना चाहिए कि आप राठी नस्ल के या देसी नस्ल की कोई भी गाय हो, उनके नीचे मेल काफ हो तो उन मेल काफ को आप अपने नजदीक की गौशालाओं में बात करके वहां पर छुड़वाएं, ताकि वहां की भी नस्लें सुधरे, वहां भी अच्छी दुधारू देसी गोवंश की नस्लें जल्दी से जल्दी देखने को मिले। या आप देख सकते हैं लाइव मिल्किंग कंप्लीट हो चुकी है और गाय ने लगभग बाल्टी को कंप्लीट फिल कर दिया है, इसमें झाग जरूर से है। ये दूध नापते समय हम आपको झाग को कम से कम करने की कोशिश करने के पश्चात ही दूध लीटर से नापकर दिखाएंगे। इस गाय को राजू राव जी, जो श्री गंगानगर राजस्थान के रहने वाले हैं, वह सेल के लिए अवेलेबल करवा रहे हैं। इनका मोबाइल नंबर है 9588895123। इन मोबाइल नंबर पर संपर्क करके आप इस गाय के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। झाग मिटाने की कोशिश की जा रही है ताकि झाग कम से कम हो जाए, फिर भी आप दूध जब नापा जाए तो आधा लीटर के आसपास दूध को कम आंक सकते हैं। जो भी नाप आए उससे आप आधा लीटर के आसपास झाग की संख्या को हटाने के लिए उसे कम आंकें। ये 1 लीटर का नाप है,
आप काउंटिंग कर सकते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर, 7 लीटर, 14 यानी कि 14 किलो दूध अभी इस गाय का तैयार है और कीमत 42,000 रुपए 42,000 रुपीज डिमांड की है। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।